राजद का कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार थी, तो मंत्री भी रहा करते थे और अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाले थे, लेकिन देश विरोधी बातें कहकर वो अपने बच्चे बाल बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि अब देश में रहना यहाँ के माहौल में नहीं है, इसलिए तुम लोग विदेश में ही रहो, वहीं की नागरिक थे। ये घोर निंदनीय है। मैं ऐसे कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिस देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेकर चलने का मन में ठाना है, वहां पर एक अल्पसंख्यक समाज के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी देश विरोधी बातें कर रहे हैं, इनका मैं घोर निंदा करता हूँ। तो जी, इस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बयान एक वायरल हो रहा है, कहा जाता है कि 17 तारीख के बयान पर कहना अपने बाल बच्चों को बता रहे हैं कि आप बाहर बस जाओ, बाहर में ही रहो, वहीं का नागरिकता ले लो, देश का माहौल अब ठीक नहीं है, तो क्या कहा जाए इस पूरे घटना में? देखिए, एक विशेष प्रकार की मानसिकता इस वर्ग के लोगों में देखने को मिलती है। ये सिर्फ उसी मुस्लिम समाज में है, ऐसा नहीं है, कई अन्य लोग भी हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो बात कही है यह इसलिए सर्वनाक है क्योंकि बिहार की मिट्टी ने, भारत की जनता ने इतने वर्षों तक उनको इतना सम्मान दिया। वो मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, क्या एक समाज के वोट पर रहे? वो समाज के दूसरे लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया, उनको मत नहीं दिया, अपना उनके प्रति अपनी सहानुभूति नहीं प्रकट की? अब इस प्रकार की बात जब वो कह रहे हैं कि उनके बेटे बेटी जो हैं वो विदेशों में सेटल हो जाएं, वहीं पर पढ़ाई कर लें, वहीं की नागरिकता ले लें, ये सर्वनाक है और कई वजहों से सर्वनाक है। सब देश का माहौल बता रहे ठीक नहीं, ये शब्द क्या जस्ता है कि नहीं? देश का माहौल ठीक है कि नहीं है अकेले अब्दुल बारी सिद्दीकी जी कैसे तय कर सकते हैं? देश भर में इतने सारे लोग हैं और इतने प्रकार के लोग भारत में अपना जीवन आज से नहीं लंबे समय से लोग जी रहे हैं, यहाँ पर सहचर्य का जीवन रहा है इस बीच में, और अब्दुल बारी सिद्दीकी को तो समाज ने सब कुछ दिया है, उसके बावजूद इस प्रकार की भाषा का अगर वो उपयोग कर रहे हैं तो निहायत ही सर्वनाक बात है, इससे खराब बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस प्रकार के वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि देश में माहौल खराब है, कहाँ पर माहौल खराब है बतावें? कहाँ भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद कहाँ पर दंगे हुए हैं? कोई 3-4 दंगे का ही नाम बता दें? उल्टे हमारा हिंदू समाज ही पीड़ित हो रहा है कई जगहों पर, इस बात को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। अगर बेटे बेटी को कहीं बाहर ही बसाने की मानसिकता थी तो वो भी कहीं बाहर चले गए होते, हो सकता था इससे बेहतर जीवन उनको कहीं और मिल जाता, लेकिन पाना है सब कुछ भारत की मिट्टी पर और भारत की मिट्टी को ही गाली देना है, ये भाषा ठीक नहीं है और आने वाले समय में जनता इसका हिसाब कर देगी। ठीक ही कह रहे हैं कि देश का माहौल जो हो रहा है देख नहीं रहे हैं आप? दो प्रांतों में जब वो हार जाती है तो उसका कोई न्यूज नहीं बनता है। हिमाचल में उनकी सरकार थी ना भाई, दिल्ली में भी नगर निगम में था वो, दोनों जगह हारी, वो न्यूज नहीं मिला। लेकिन गुजरात छपता रहा 7 दिन 8 दिन तक, गुजरात गुजरात, अरे गुजरात में तो पहले भी आपकी सरकार थी। पीयूष गोयल हैं वो।